अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज के वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं हीरो पैशन प्लस वेरिएंट जो कि 2023 का न्यू मॉडल लॉन्च हुआ है। तो चलो एक बार स्टार्ट करते हैं इसके लुक अराउंड से। जो लुक है पुराने वाले पैशन से काफ़ी मिलता जुलता है, बस थोड़े बहुत चेंजेस किया गया है। जैसे कि ये सामने का जो लोगो है ये थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है, हीरो का न्यू लुक है और इंजन में थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है। इसमें ये जो इंजन आता है BS6 के साथ आता है, BS6 फेस 2, ये कैटलिक कन्वर्टर है और ये थोड़े बहुत सेंसर्स आ गए क्योंकि ये FI के साथ भी आता है। अभी रेड कलर में गाड़ी बहुत खूबसूरत लग रही है। मैं टायर्स की बात करूँ तो टायर ये 18 इंच के टायर से आगे पीछे भी 80x100x18 के टायर से ये अच्छी बात है, ग्रिप प्रोवाइड कर देता है आपको ये सीएट के टायर से। और ये मडगार्ड भी अच्छा खासा है, क्वालिटी भी अच्छा है इसमें, इसके पूरे पार्ट्स में अफोर्डेबल रेट में मिलते हैं। ये जो हेडलाइट्स है आगे पीछे का ये पूरा हैलोजन है, इंडिकेटर्स भी हैलोजन है, इसमें LED का यूज़ नहीं किया गया है। थोड़े बहुत ग्राफिक चेंजेस किया गया है इसमें। सीट भी काफ़ी वेल मेंटेन्ड है इसका, मतलब अच्छा नरम है, दो लोग आप आराम से लॉन्ग राइड में भी जा सकते हो, कुछ भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। ये आपको FI लिखा हुआ है, मतलब प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन, कुछ ऐसा दिखता है। साइलेंसर लाइटली चेंजेस किया गया है, साउंड में थोड़े से चेंजेस आया, बाकी साउंड पहले के मुकाबले में सेम है। ये भी कुछ पीछे का लुक है, जो पीछे का लाइट है वो भी हैलोजन है, जैसे कि आपको मैं पहले बताया था। ये ग्राफिक है बाजू का, रेड कलर में गाड़ी बहुत चमक रही है धूप में गाइस। ये बाजू में हीरो का एम्बलम है, यहाँ पे थोड़े से ग्राफिक्स है, पैशन प्लस लिखा हुआ है, फ्यूल टैग में आपको E20 लिखा रहेगा। ये कुछ यहाँ पे आपको साड़ी गार्ड मिल जाता है, इंजन ये जो चैन गार्ड भी आपको मिल जाएगा, फुटपैक की क्वालिटी भी अच्छा है इसमें। ये गियर मिल जाएगा आपको, पूरे गियर पीछे है इसके, चार गियर है गाड़ी में। और उसके नीचे आपको साइड स्टैंड कट ऑफ इंजन सेंसर मिल जाएगा, आपको मेन स्टैंड भी मिल जाएगा, मेन स्टैंड काफ़ी टाइट है इसका, तो मतलब आपको बम्प रोड में ज़्यादा आपको स्टैंड का आवाज़ नहीं आएगा। ये कुछ सामने का है इसका, सामने का भी सेम है पहले की तरह, ये हीरो की टिपिकल चाबी है, सारे हीरो की गाड़ी में ये चाबी यूज़ किया जाता है। चालू करोगे तो फुल राउंड अप होके आता है स्पीड मीटर, काफ़ी अच्छा दिखता है, अच्छे खासा इन्फॉर्मेशन भी है इसमें। जैसे यहाँ पे न्यूट्रल दिखा देगा आपको, वहाँ पे ट्रिप मीटर दिखा देगा, ओडोमीटर दिखा देगा, फ्यूल का जितना फ्यूल है आपकी गाड़ी में वो दिखा देगा आपको, साइड स्टैंड स्विच है, इंजन का वार्निंग लाइट है, I3S है। I3S अगर आपको पता नहीं क्या होता तो मैं बता देता हूँ, I3S का मतलब होता है आइडल स्टॉप स्टार्ट सिस्टम, मतलब आपकी गाड़ी अगर हाईवे पर रुकी है तो गाड़ी कुछ ही टाइम में बंद हो जाएगा, जैसे आप क्लच दबा दोगे फिर गाड़ी अपना आप स्टार्ट हो जाएगा, तो इससे आपका फ्यूल भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है। ये कुछ इसका ये है बटन से, वही पास लाइट है आपको, हाई बीम लो बीम के बटन से नॉर्मल बटन मिल जाएंगे। ये चालू का स्विच है, यहाँ पे इंजन का, ऑफ का स्विच नहीं मिलता है उसमें, सिर्फ एक ही स्विच है। ये चार्जिंग पोर्ट है, ये गाड़ी में चार्जिंग पोर्ट मिलना बहुत बड़ी बात है गाइस। ये गियर डाल दूंगा तो न्यूट्रल हट जाएगा, गियर भी काफ़ी स्मूथ है गाड़ी का। ऑरेंज कलर का लाइट आता है गाड़ी में स्पीडोमीटर में, प्राइस की बात करूँ तो आप गाइस ये 94,000 के आपको ऑनरोड पड़ जाएगा। प्राइस के हिसाब से गाड़ी अच्छा खासा है, बट परफॉर्मेंस में भी अच्छा है, लेकिन आप ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना गाड़ी से स्पोर्टीनेस, नॉर्मल जैसा पुराना पैशन था वैसे ही है। इंजन में थोड़े से मॉडिफाई किया गया है, आपको अच्छा खासा आपको माइलेज मिल जाएगा, 60-70 के बीच में आपको माइलेज मिल जाएगा, अच्छा चलाओगे तो उससे भी ज़्यादा मिल जाएगा आपको, इतना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो गाड़ी से। पॉइंट ए टू पॉइंट बी के लिए अच्छा है गाड़ी। इंजन के बारे में आपको बात करूँ तो 97cc का इंजन है, एयर कूल 4-स्ट्रोक का इंजन है, जो कि लगभग आपको 7.9 BHP का पावर प्रोड्यूस कर देगा एट 8,000 RPM में, और 8 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस कर देगा एट 6,000 RPM में। पावर भी अच्छा है, पिकअप भी गाड़ी का बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें FI भी आता है, तो आपको पिकअप भी अच्छा खासा मिलेगा। ये स्पार्क प्लग है, सिंगल स्पार्क प्लग है, ये आपको सेंसर मिल जाएगा जो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, बाकी इसके नीचे साइलेंसर में कैटलिक कन्वर्टर है। ये स्टार्टर मोटर है जो उसके ऊपर, किक स्टार्ट भी आता है गाड़ी के साथ। अच्छा इंजन में थोड़ा बहुत रिफाइंड किया गया है हीरो ने, हीरो के अभी जो नए गाड़ी लॉन्च हो रहा है सारे गाड़ी के इंजन थोड़े बहुत रिफाइंड मैं देख पा रहा हूँ। जस्ट अभी मैं गाड़ी का टेस्ट राइड लेके आया हूँ,
सॉरी गाइस, मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया क्योंकि बारिश आ गया था बीच में और वीडियो अपने आप पॉज हो चुका था। मैं आपको अपना हॉनेस्ट ओपिनियन बता देता हूँ कि गाड़ी कैसा है चलाने में, पैशन प्लस। गाड़ी में क्विक एक्सेलरेशन अच्छा क्विक है क्योंकि गाड़ी में FI है, तो आप एक्सेलरेशन दोगे तो तुरंत गाड़ी खींचेगा आगे। और माइलेज भी अच्छा है गाड़ी का, इंजन रिफाइंड है, साउंड भी अच्छा है। ये दो गाड़ी में जो खड़ा है इसका मैं रिव्यू कर चुका, आपको वीडियो आई लिंक में मिल जाएगा। एक्सपल्स का फर्स्ट मॉडल और उसके बाद का जो न्यू अपडेट आया है, 3 अपडेट, वो ये ज्योति ऑटोमोबाइल्स में मैं एज यूजुअल खड़ा हूँ। मैं सारे वीडियोस इसमें शूट करता हूँ। मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ये डोंबिवली में लोकेट करता है। सारे वीडियोस आपको मैं एज सून एज पॉसिबल ट्राई करूँगा आपको देने के लिए, जैसा न्यू अपडेट लॉन्च होता है गाड़ी का। और आप श्योरली मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो। और आपको ये भी कहना है कि कौन से गाड़ी को रिव्यू करना है, आप श्योरली मुझे कमेंट करके बता देना, तो मैं ट्राई करूँगा कि उसका वीडियो मैं जल्द से जल्द चैनल में लाऊं। तो गाइस तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं गाइस, अल्लाह हाफिज़।